तो आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं। कोरोना संक्रमण रिकवरी रेट के मामले में झारखंड 90% तक पहुंच गया है। अगर हम रांची की बात करें तो आज की तारीख में रांची के सभी सरकारी कोविड अस्पतालों में आधे से ज्यादा बेड खाली पड़े हैं। एक रिपोर्ट देखिए। बड़े दिनों बाद राहत की खबर आई है, वो भी ये कि संक्रमण दर तेजी से घट रहा है। रिकवरी रेट 90% के आसपास है, मृत्यु दर भी घटी है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वक्त पारस अस्पताल में 50 में से 12 बिस्तर खाली हैं, सीसीएल में 60 में से 30 बिस्तर, रिसालदार बाबा अस्पताल में 70% बिस्तर खाली हैं, सर्ड अस्पताल में भी बिस्तर खाली हैं, पॉलिटेक्निक में भी 90% बेड खाली हैं और विस्थापित कॉलोनी में भी अधिकांश बिस्तर खाली पड़े। हम लोगों के यहाँ रिकवरी रेट काफी अच्छा हो गया, 90% से ऊपर हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की जिनको आवश्यकता होगी उसके के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, रिसालदार में भी काफ़ी बेड्स अभी खाली हैं जो कि ऑक्सीजन 26 से 27 हैं, लेकिन टोटल मेरे पास वहाँ करीब 98 बेड्स हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जो माइल्ड टू मॉडरेट ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम लोग रिसालदार में उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस वक्त निजी अस्पतालों में 435 रोगी और सरकारी अस्पताल में 350 रोगी कोरोना पॉजिटिव हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। जांच का दायरा भी बढ़ा है तो जाहिर है संक्रमण की दर में काफी कमी आ गई है, लेकिन सावधानी की सख्त जरूरत है क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं है। मैं ये सभी लोगों को रांची जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में यहां किसी भी मरीज के लिए बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। फिलहाल तो मैंने जैसा आपको भी बताया कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या काफ़ी हम लोगों के पास है और किसी को भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो रिसालदार या निकट भविष्य में सदर अस्पताल में भी उसकी व्यवस्था होने जा रही है। जल्द ही रांची के सदर अस्पताल में एक स्पेशल कोविड वार्ड की शुरुआत होने वाली है जिसकी सुविधाएं निजी अस्पताल के समकक्ष। कैमरामैन अभय के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची।